तो चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो, हम लोग करते हैं बड़े प्यार से इसको, अच्छे से। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फाइंड द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ द हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम के लिए जेड एटॉमिक नंबर 2, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना है, रेडियस भी निकालना है और एनर्जी भी निकालना है। हीलियम के, हीलियम प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये नहीं है, ये जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में है, जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 में है, और जब n इक्वल टू 10 में है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन है अलग अलग स्टेट में है, तो उस वक्त उसके पास रेडियस कितनी है और टोटल एनर्जी कितनी है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो चलो, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें प्यारे बच्चों, तो एक एक पार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन है, पहला पार्ट देखो। ये तुम याद रखो कि रेडियस इन nth ऑर्बिट में जो होती है वो होती है 0.5353 एन स्क्वायर, ये हमें याद रखना है, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉन, या इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन, इतना। वेयर ए नॉट एक कॉन्स्टेंट है, किसी किसी बुक में ऐसा लिखा रहेगा 0.53, तो ये 0.53 ये एक कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे भी लिखा रहेगा। और जो एनर्जी होती है एंथ ऑर्बिट में, वो होती है -13.6 जेड स्क्वायर एंड एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये तो ये दो बेसिक फार्मूले हैं जो हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, बोर मॉडल से डिराइव है, और उनके लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हीलियम के पास प्लस वन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों फार्मूले लगेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो ये फार्मूले नहीं लगेंगे, थोड़ा मॉडिफाई होके नया फार्मूला आता है। चलो, वो सब बात की बात है, पहले अभी जो है उसको करते हैं। तो एन इजिक्वल टू 1 के लिए, फर्स्ट एन इजिक्वल टू 1 के लिए जो रेडियस आ जाएगी, और जेड इजिक्वल टू 2, तो ये तो फिक्स है, तो रेडियस आ जाएगी पहले वाले के लिए 0.53 और एन स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 0. सॉल्व कर लेना है इसको, 265 एंगस्ट्रॉन, दिस इज़ द आंसर ऑफ द रेडियस। और जो एनर्जी आ जाएगी एन इज इक्वल टू 1 में जब इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ जाएगी -13.6 एन स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और जेड स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, 13 चौके 52, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर मैं ये इसकी दूसरे पार्ट की बात करूँ, तो दूसरा पार्ट इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो दूसरा पार्ट करने के लिए इसे हमें सिर्फ यही फार्मूला दोबारा लगाना है, लेकिन ऑर्बिट चेंज हो गया है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट हो गया है, एन इजक्वल टू 4 में, तो एन इजक्वल टू 4 है, हीलियम है, तो जेड इजक्वल टू 2 वही रहेगा, तो रेडियस जो आ जाएगी वो 0.53 आ जाएगी, और ये जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जेड रेडियस जो है एन का स्क्वायर, ठीक है, एन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और डिवाइडेड बाई ए जेड दैट इज जेड इज इक्वल टू 2, तो फाइनली जो रेडियस आ जाएगी इसको सॉल्व कर लेना, 4.424 एंगस्ट्रॉन इतना आ जाता है, ठीक है। चलो, एनर्जी जब इसको सॉल्व करोगे तो -13.6 और ये जेड स्क्वायर मतलब 4, और डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 4 में है, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है, तो ये 4 टाइम्स इसके कट जाएगा, और ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द प्रॉब्लम। पार्ट थर्ड इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे, चलो, तो पार्ट अगर हम थर्ड इस प्रॉब्लम का अगर सॉल्व करें, तो थर्ड एन इज इक्वल टू 10 है और जेड हीलियम है, तो जेड इज इक्वल टू 2 ही होगा, तो जो रेडियस आ जाएगा वो आ जाएगा 0.53 और ये आ जाएगा एन का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई जेड 2, तो फाइनली यहाँ से मुझे मिलेगा 26.5 एंगस्ट्रॉन, ये वाली मिल गई, और ये जो एनर्जी है वो आ जाएगी -13.6
जेड स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और एन का स्क्वायर दैट इज 10 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो फाइनली जो आ जाएगा माइनस 0.44 इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉन, 0.444 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ना, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये एक आसान सवाल था।